जीसस ने कहा तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा, तू बिलीव करेगा बड़ा काम अपनी लाइफ में होता हुआ तू देखेगा। अगर तू विश्वास करेगी तो उसने कहा मरियम मार्था को तू मेरी महिमा को देखेगी अगर तू विश्वास करेगी तो। वो तुम्हें क्यों चंगा करे भाई, वो क्यों प्रूफ करे तुमको? तुम इतने छोटे हो कि अगर यीशु मसीह को ऊपर तुम्हें अगर देखने के लिए मान लो कैमरे की जरूरत पड़े ना तो कैमरे का जूम कर करके परमेश्वर थक जाए तुम नजर ना आओ। हम देखते ना फोटो खींच के उसको जूम करके फिर वो फीकी पड़ जाती फिर वो ब्लर हो जाती। इंसान इतना छोटा कि अगर परमेश्वर कैमरे से देखना चाहे तो ब्लर भी फट जाएगा, ब्लर का भी ब्लर आ जाएगा। तुम इतने छोटे जीव जंतु के बराबर कीड़े के बराबर हो, तुम्हें प्रूफ करने के लिए परमेश्वर करे कुछ। वाह भी बल्ले आ तेरे, तेनू प्रूफ करने लिए परमेश्वर करे। तू कौन है भाई, तू धरती बनाई है? अगर कुत्ते की तरह यीशु के पांव चाटते हुए बैठोगे चर्च में वो हील भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। हालेलुया। वो तुम्हारी धमकियां सहने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन बाइबल कहती वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो दुष्ट को भी देखता है कि वो बच जाए, विरोधी को भी देखता है कि वो बच जाए, वो भी तौबा कर ले। पुराने समय में परमेश्वर ने बहुत बार साबित किया, आग का खंबा, सुबह सुबह उनको मन्ना मिलता था, बादल परमेश्वर के उनके पीछे पीछे चलता था, तब भी लोगों ने यकीन नहीं किया, देखकर भी नहीं किया कई लोगों ने, तभी पाप में चले गए, व्यभिचार में चले गए। तो जीसस ने कहा अब मैं आखिरी बार एक प्रूफ दूंगा, तुम्हारे पापों के लिए मैं लहू को बहाऊंगा, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाऊंगा, क्रूस पर अपनी जान दे दूंगा। अब जो कोई उस क्रूस पर विश्वास करेगा उसकी शर्मिंदगियां मिटाई जाएंगी, उसके पाप मिटाए जाएंगे। दैट्स इट, अब तुम्हें विश्वास करना है और जीसस के पीछे आना है। वो तुम्हें प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करने वाला। तुम इतने छोटे हो कि तुम्हारा ब्लर भी ब्लर हो जाए, फट जाए वो, तुम फोटो से ही बाहर हो जाओ। धरती इतनी छोटी है कि 13 लाख धरतियां सूर्य में समाती हैं। सूर्य इतना छोटा है कि करोड़ों खरबों सूर्य गैलेक्सी में समाते हैं। गैलेक्सी इतनी छोटी है कि खरबों खरबों गैलेक्सियां यूनिवर्स में समाती हैं। और उसके बाद यूनिवर्स इतना छोटा कि हजारों लाखों करोड़ों यूनिवर्स हैं, उसके आगे कहते भी खोजा नहीं। मतलब अगर जितनी मैं बातें मैंने बोली, अगर धरती को उसके सामने साइज लगाए तो हम पेन से बिंदु भी नहीं बना पाएंगे। धरती इतनी छोटी, पेन का बिंदु भी धरती से बड़ा है। माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा उसको, जैसे दही में कीटाणु होते हैं, एक कीटाणु के समान होगी धरती। और उस छोटी सी धरती का एक छोटा सा कीड़ा परमेश्वर को बोले, आपको लगता है परमेश्वर उसकी परवाह करेगा? लेकिन वो सबसे प्यार करता है, दैट्स इट। इसीलिए वो शांत रहता है, इसलिए वो मारता नहीं, वो जल्दी नष्ट नहीं करता, वो विलंब से क्रोध करता है और जल्दी दया करता है। हालेलुया। मुझे ये मालूम है कि मेरे पास एक जीवित परमेश्वर है। नीति वचन 18 उसकी 2 में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह तो केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। कहता मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। क्रिश्चियनिटी किसी की विरोधी नहीं। मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया, आप किसके साथ है जी, क्या आप खालिस्तान के खिलाफ हैं? मैंने कहा क्रिश्चियन बंदे को हिंदुस्तान में रख दो वो वहां प्रेयर करेगा, खालिस्तान में रख दो वहां प्रेयर करेगा, पाकिस्तान में रख दो वहां प्रेयर करेगा, अफगानिस्तान में रख दो वहां, उसको क्या मतलब लेना देना? वो तो अपने देश के साथ है, जिस देश में वो है अपने देश के लिए वो प्रार्थना करता है। यीशु ने कहा मेरा राज यहां का है ही नहीं तो वो क्यों लड़ेगा? तुमको जो बनाना दिल करता तुम बना लो। हमारा काम है प्रेयर करना, हमें जहां भी रखोगे हम प्रेयर करेंगे और ऐसे ही करेंगे। क्रिश्चियन किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अपना काम करना जानता है बिना डर के, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा राज यहां का नहीं। क्योंकि जब जीसस ने खाना खिलाया 20,000 लोगों को, 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां थी और बच्चे थे और सब थे, बुजुर्ग थे,
तो लिखा पकड़ने लगे जीसस को भाग भाग के, कहते जी देखो रोटी भी खवा सकता है, लीड भी कर सकता है, चंगा भी कर सकता है, इन्हें बनाओ राजा। लिखा यीशु भाग गए वहां से, चले गए वहां से, निकल गए कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मेरा राज मेरे को छोटा मत करो, यहाँ का राज देके, ये पृथ्वी मेरे लिए बूंद के समान भी नहीं है, मेरा राज यहाँ का नहीं वहाँ का है। तुम ये प्रार्थना करो कि वहाँ का राज यहाँ आए, क्यों? तुम्हारे बेहतरी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए। हे पिता जिस तरह स्वर्ग में है तेरा राज आए, कि राज आएगा तो बीमारियां जाएंगी। वहां क्या है स्वर्ग में? अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तकलीफ नहीं है, बैक बाइटिंग नहीं है, मुश्किलें नहीं है, तकलीफ नहीं है, कर्जा नहीं है वहां। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि वो राज यहां आए। वो इस धरती के राज को लेना नहीं चाहता था, लोग तो पकड़ते थे उसको राजा बनाने के लिए, कहता मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे हाथ में। इस धरती पर राज वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ इतना छोटा उसे बना दो, वो बहुत बड़ा है, तुम्हारी पहुंच से परे। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु पे विश्वास कर, तो तू बड़े कामों को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। तुम बिलीव करते हो परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में बड़े काम करेगा, क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है अपने देश के लिए, उस देश के पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो उसके विरोधी क्यों ना हो। जब जब क्रिश्चियनिटी में लोग कट्टर होंगे, वो तलवार उठाएंगे नहीं, खा लेंगे। तो शुक्र करो लोग क्रिश्चियनिटी में कट्टर हो रहे हैं, अगर कट्टर ना होते तो तलवारें उठ गई होती अब तक। ये क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती है कि ये देश के साथ वफादार रहते हैं, समाज के साथ वफादार रहते हैं, स्कूल्स इनके हैं, कॉलेजेस इनके हैं, सब समाजधारी सेवक संस्थाएं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इनकी हैं। जितनी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं जो चैरिटी करती हैं, क्रिश्चियन अगर इकट्ठी कर ली जाए तो बूंद भी नजर नहीं आएगी दूसरे लोगों की, मैं आपको बता रहा हूं, बूंद भी नहीं लगेगी आपको। बड़े बड़े मेडिकल सर्चेस क्रिश्चियन लोगों के पैसों से हो रही है, कैंसर की दवाइयों की सर्च क्रिश्चियन लोगों के पैसे से हो रही है। अफ्रीका में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा जाता है हर साल उनकी बेहतरी के लिए, कौन दे रहा है? क्रिश्चियन बिजनेसमैन। एक समय था पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा था, बहुत तगड़ा विरोध चल रहा था। उस समय किसी खास जो विशेष व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे, उन्हीं का एक प्रचारक, उसका इलाज मैं करवा रहा था हॉस्पिटल में उस समय। लेकिन मैंने उस समय कभी मेंशन नहीं किया, मैंने कहा ये हमारा काम नहीं। अगर मैं फिर बेइज्जती करने पे आता या बोलता कि तुम कहाँ हो भाई, मैंने कहा नहीं, जीसस ऐसा नहीं सिखाता, वो धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ प्यार करता। वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो कहेगा आ जा मैं तेरा उद्धार करूं। और वो बंदे ने प्रार्थना नहीं मांगी, उसने नहीं कहा मेरे लिए प्रेयर कर दो, उसने चर्च में आके मांगा कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने कहा कर देते, नो प्रॉब्लम, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा। अगर तू प्रार्थना के लिए कहता मैं प्रार्थना करता, लेकिन अगर तेरा विश्वास किसी दूसरे धर्म के ऊपर है और तू सिर्फ हेल्प लेने के लिए आया है, तो एज ए पड़ोसी, एज ए नेबर मैं तेरी हेल्प करूंगा। और किसी को नहीं बताया, नेवर। उस समय तो ये मुद्दा उठा सकते थे, नेवर। जीसस ने ऐसा नहीं सीखा, उसने कहा जो तेरे अंदर है वो तेरे बाहर आएगा। अगर नफरत अंदर भरी है तो बाहर आएगी, अगर प्रेम है आपके अंदर, हीलिंग है, डिलीवरेंस है, वो बाहर आएगी। हालेलुया। अगर हमें भी वैसा ही चलना है जैसे लोग चलते हैं, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। जीसस ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है स्तुति करें, बढ़ाई करें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। जिस दिन मुझ पे पहली प्रार्थना हुई थी, उस दिन चंगाई पूरी तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि अगर वे परमेश्वर इस दुनिया में है तो वो यीशु मसीह। जब पहला करंट लगा था ना प्रार्थना का मेरे ऊपर, तो मैं समझ गया था, क्योंकि मैं सब घूम चुका था, सब देख चुका था, मुझे मालूम हो चुका था कि अगर कोई
जीवित परमेश्वर है तो वो परमेश्वर है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया था वह मैंने पहले कभी नहीं किया। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज की ये मीटिंग मैं कभी ना भूलूं, ये मेरे दिल में छप जाए, ये वचन मेरे दिल में छप जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहते हैं जीसस ने, यहोवा पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला। मैं नहीं चाहता कि डिक्लेरेशन में, घोषणाओं में बिना समझ के साथ मैं आपको आगे ले जाऊं। आपको यह समझ होनी चाहिए कि घोषणाओं का मतलब क्या है और इससे क्या होता है। जब एक पौधा आप उसको लगाते हो धरती पे, उसको नीचे दबा देते हो और पानी दे देते हो, वो तो हमने अब देखा है इतना कुछ उगते हुए, हमें पता है कि ये उग जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो इस संसार में उसने कुछ नहीं देखा हो, अगर आप उसे कहेंगे कि ये जो बीज लगा दिया ना इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं तो झूठ बोल रहे, इसके अंदर से इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? घोषणा उसी बीज की तरह है जो आप जमीन के अंदर लगाते हो, और जो व्यक्ति आत्मा में अनजान है, जिस तरह कोई शारीरिक रूप में अगर अनजान है किसी को, अगर बिल्कुल अंदर रखा कभी दुनिया दिखाई नहीं, जब वो एकदम से दुनिया में एक्सपोज होगा और उसको कहेंगे कि ये जो छोटा सा बीज है ना ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से जब आत्मिक दुनिया में एक बंदा प्रवेश करता है, जब उसको बोला जाता है कि अगर तू बोलेगा तो इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, वो भी सेम बात कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक्स में था तो मुझे पास्टर्स बोलते थे कि जब तू शीशे के सामने खड़ा होगा तो तुझे अपने आप से बात करनी होगी कि तू परमेश्वर का एक बड़ा दास है। तो मैं कहा बड़ा दास? मैं विश्वासी भी अपने आप को नहीं समझ पाता था। आज तो उल्टा है, आज अगर किसी को थोड़ा सा वचन पढ़ना आ जाए बोलेगा मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मुझे पास्टर बनना है, मुझे मसा कर दो। मेरा उल्टा था, मेरे को एक साल यकीन दिलवाया गया कि नहीं तू इस्तेमाल हो सकता है, मैं बोलता नहीं, कैसे कैसे मैं तो मेंटली अपसेट हूं, नहीं तू अपने आप को प्रभु का दास समझा कर। एक साल लगा मुझे समझने में। शीशे के सामने खड़ा हुआ कर बोला कर, मेरी बाइबल के पीछे जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इतनी पढ़ता हूं वो बार बार फट जाती, कभी जिल्द फट जाती, फिर बनवाता हूं फिर फट जाती। ये पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, मेरी पर्सनल प्रेयर है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। मैं क्या करता हूं, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, जीवन अलग है, प्रभु के बात करने का तरीका अलग है। जब आप प्रेयर करें तो लिख के करें, पहला पॉइंट बच्चों के लिए प्रेयर। फिर उस प्रेयर को किस वचन से करना है वो सीखो कि कहां बच्चों का वचन लिखा है।
वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा, वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये वो लाइन है जो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं वचन से, हीलिंग के लिए भजन संहिता 91, भजन संहिता 103, नीति वचन 3, ये मेरे लिखे हुए हैं। तो मैं लिख के प्रार्थना करता हूं, एक एक पॉइंट लिखता हूं, वो पॉइंट के लिए वचन निकालता हूं, वचन बोलकर प्रार्थना करता हूं, फिर पॉइंट खत्म होता है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप नोटिस करेंगे थोड़े महीने के अंदर जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मान लो आपने लिखा कि आपका हस्बैंड नशा छोड़े, और उसके लिए आपने पॉइंट लिख लिया और उसके वचन आपने ढूंढ लिए कि परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, परमेश्वर ने कहा तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा, सारे वचन आपने वहां लिख लिए साइड पे। अब आप उन अकेले अकेले वचन को खोलोगे, अगर मान लो मैंने हीलिंग ऊपर लिखा कि हीलिंग पर प्रेयर करना है, किसके साथ, भजन संहिता 51 के साथ, मैं भजन संहिता 91 खोलूंगा, उसे पढ़ूंगा और साथ साथ प्रेयर करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर आपको प्रेयर करनी नहीं आएगी आप रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे। रिजल्ट के लिए आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अब मैंने भजन संहिता 91 खोल लिया, अब उसमें लिखा है 5 में, तू ना रात के भय से डरेगा ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये तीर बीमारी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 3 आयत में लिखा, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। फिर 6 आयत पढ़ूंगा, तू ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इसका मतलब महारोग कौन सा, कौन से महारोग, कैंसर, एड्स, सोराइसिस, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। और अगर आपको मालूम हो गया कि एक वचन है जो आपको सपोर्ट करता है कि कोई भी महारोग तेरा हिस्सा नहीं होगा, और अगर आप इस वचन को बार बार क्लेम करेंगे तो परमेश्वर उस वचन को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। पर अगर आप चुप हैं, शांत हैं, तो शैतान उस समय आप पर अटैक करेगा जब आप बिल्कुल आत्मा में सोए हुए होंगे। और फिर आप कहेंगे, हो मुझे ये कैसे हो सकती है, ये बड़ा रोग मुझे कैसे हो सकता है, मैं तो क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन बिना हथियार के किसी काम का नहीं, और हमारा हथियार तलवार नहीं, हमारा हथियार क्या है, परमेश्वर का वचन। अब घोषणाएं आप क्यों नहीं करते? यशाया 60 में लिखा है, ये मेरा प्रेयर पॉइंट है, आज मैं आपको बता रहा हूं खामरा चर्च का अब तक का, जब से चर्च शुरू हुई है, सबसे बड़ा संडे है आज। अगर आप देखेंगे सब तरफ, तो आप देखेंगे अगर सब तरफ सबसे बड़ा संडे है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? विरोध इस बात की निशानी है कि शैतान को तकलीफ हो रही और आप बढ़ रहे हो। और जीसस ने कहा, जब लोग तेरे बारे में बुरी बातें बोलें, झूठ बोलें, तेरा विरोध करें, तो दुखी ना होना, क्या करना, आनंद मनाना, क्योंकि जो तुमसे पहले भविष्यद्वक्ता असली वाले थे उनका भी उन्होंने विरोध किया था। और कहता आनंद मनाना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे घोषणा करनी है, उससे पहले घोषणा क्यों करनी है, इसका मकसद क्या है। क्या जब मुझे विश्वास हो तभी मैं मुंह से बोलूं, या अगर मेरे मन में इतना विश्वास नहीं है तो मैं मुंह से बोलूंगा, क्या वो पूरी होगी? मैं आपको बताता हूं। आप 2 बीज ले लो अपने हाथों में, वैसे ही इमेजिन करो कि आपके हाथ में 2 बीज हैं। हां,
एक आपने उस बंदे को दे दिया जो कभी दुनिया के साथ पाला नहीं पड़ा, और आपने कहा इस बीज को धरती के बीच में लगा दे, मैं भी तेरे साथ लगाऊंगा और हम दोनों सेम पानी देंगे, सेम जगह पे लगाएंगे, दोनों का फल। और एक कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, और एक कह रहा है नहीं हो जाएगा, तो क्या दोनों के फल लाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं, बताओ क्यों, दूसरे का क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, गलत, दोनों के बढ़ेंगे, क्योंकि दिमागी विश्वास से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, वो कर्म देखता है। उसने ये नहीं कहा कि तू इसको मैं पानी नहीं दूंगा, उसने कहा ठीक है मैं पानी भी दूंगा, तो तू कर रहा है मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे मन में ऐसा है, लगता है कि नहीं होगा। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी है, आपके मन को लगता है नहीं नहीं ये बड़ा रोग है, ये कैसे जा सकता है, लेकिन जब आप अंगीकार करते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप पाप को छोड़ते हैं, वो सारी चीजें, चाहे आपके दिल में ये शक हो कि नहीं नहीं ये होगा नहीं, पर आपके कर्म वैसे ही हैं जैसे धर्मी के हैं, आप उसी शिफा को पाएंगे जो धर्मी पा रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आप वही शिफा पाएंगे, क्योंकि मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से चंगा कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना दूसरों से ज्यादा थी। मुझे विश्वास पूरा नहीं था कि मैं इतने बड़े रोगों से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन मेरे रोजे हर हफ्ते 3 दिन रात के होते थे, हर हफ्ते 3 डे नाइट। जब कोई सुबह कोई चीज मैं खाता था तो मुझे ऐसे अजीब लगता कि मैं सुबह खा रहा हूं, क्या हुआ आज। एक समय था जब हर हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे होते थे, जब रोजे दिन रात के नहीं होते थे तो 3 दिन के चलते थे। 40 दिन के रोजों में भी डे नाइट के रोजे फॉलो करते थे हमें, चाहे मेरे दिल में ऐसा था कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे कर्म वैसे ही थे जैसे धर्मी के होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप घोषणा करनी शुरू करेंगे, यशाया 60 को पढ़ेंगे, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधेरा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये वचन मैं अपने लिए घोषणा करता हूं रोज, ये मेरी पर्सनल प्रेयर में है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आप इसको अब घोषणा करना शुरू करो, जब आप कुछ भी नहीं हो जल्दी आप चमकने लगोगे, क्योंकि वचन आपकी लाइफ के ऊपर पूरा होगा। इसलिए कि वो संडे जहां हम डिक्लेरेशंस करेंगे रोज कंप्लीट, उससे पहले हम डिक्लेरेशन क्यों करेंगे? क्या मेरे मन में अगर विश्वास कंप्लीट नहीं है तो क्या घोषणा करने से मुझे फायदा होगा? जो मैंने आपको बता दिया, होगा कि नहीं होगा? अगर आप फास्टिंग में हैं, प्रेयर में हैं, आपका कर्म कहीं कम नहीं होना चाहिए। एक है विश्वास कम हो रहा है तो चर्च भी जाना बंद कर दिया, कभी कभी जाते बड़ी मीटिंग, फिर काम नहीं होगा। एक है विश्वास शैतान अटैक कर रहा है लेकिन चर्च जाना बंद नहीं किया, फास्टिंग बंद नहीं किया, प्रेयर कम नहीं की, परमेश्वर के साथ प्यार कम नहीं किया, पाप में नहीं गिरे। आप घोषणा करेंगे खुदा बंद काम करेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आप घोषणा करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? काम करेगा। अगर आप घोषणा करेंगे तो काम करेगा। अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें घोषणा किस तरीके के साथ करनी है। घोषणा करने के लिए बपतिस्मा होना चाहिए आपका, तौबा होनी चाहिए, आप बपतिस्मा होना चाहिए कि आप प्रभु के जिस वचन की घोषणा कर रहे हैं आप उसके राज्य के अंदर होने चाहिए। बाहर रहकर अमेरिका के आप ग्रीन कार्ड नहीं बनवा सकते। अमेरिका की सहूलत लेनी है, अमेरिका के अंदर जाना पड़ेगा। जीसस के राज्य की सहूलत लेनी है तो जीसस के राज्य के अंदर आना पड़ेगा। और जीसस ने कहा जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको उसके राज्य में प्रवेश करना है, जल से जन्मो, बपतिस्मा लो, आत्मा से जन्मो, पवित्र आत्मा को पाओ, आत्मा से चलो,
चोरियां चकारियां कुंडियां लगाना छोड़ दो, बिजली चोरी छोड़ दो, छोड़ दो जो काम सही नहीं। हालेलुया। अगर आप वो काम नहीं छोड़ते फिर भी चर्च में आते हैं तो आप अभी तौबा आपने नहीं की, अभी आप सिर्फ डॉक्टर की क्लिनिक के ऊपर हैं, जहां डॉक्टर के साथ अभी आपका मेल मिलाप होना है, इलाज शुरू होना है, पर क्लिनिक पहुंच गए हो आप, फिर आपका वो हाल है। अब बैठे रहो क्लिनिक में 10 साल से 20 साल से, जब तक डॉक्टर से मिलोगे नहीं, दवाई खाओगे नहीं, गंदी बातें छोड़ोगे नहीं, इलाज शुरू नहीं होगा। किसी को तो क्लिनिक का ही नहीं पता। अगर मालूम तुमको हो चुका है तो बैठो, डॉक्टर की बातों को सुनो, जो जीसस कह रहे हैं उन्हें सुनो। वो तुम्हारे धर्म में इंटरेस्टेड नहीं, तुम्हारी जात में कलर में नहीं। अगर ईसाइयत में जात पात होती तो आज एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, जैसे लोग बोलते हैं जी हमारी पेंटिकोस्टल है, हमारी कैथोलिक है, उसका जो सबसे बड़ा हेड है इंडिया का, वो शेड्यूल कास्ट से बनाया है उन्होंने। ये तो कभी ना होता अगर जात पात का रोला होता तो। होता कभी कि जो सबसे बड़ा हेड है इंडिया का क्रिश्चियनिटी का, एक डिनोमिनेशन का, वो शेड्यूल कास्ट से बना दिया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हम कास्ट नहीं देखते, क्योंकि बाइबल बिलीव करती है हम सब आदम और हवा की क्या हैं, संतान। जब बाप ही एक है तो जात कहां से आई? हर कोई आज अपने एजेंडे चला रहा है, किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है फ्यूचर में, वो अपने एजेंडे चला रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में जाके चुनाव लड़ना है तो सचिन की बदनामी शुरू कर दो तो जूतियां भी पड़ेंगी, मशहूर भी हो जाओगे। आप मेरी बात समझे कि नहीं? तो लोगों का जो एजेंडा है उसे भूल जाओ, हम अपना काम करेंगे। आप अपने पड़ोसी को बचाओगे, आप गरीबों की ओर ध्यान दोगे। आप जानते मूर्ख और सियाना इनमें फर्क है। लेकिन मूर्ख की आंखें उनकी ओर लगी रहती हैं जो सेलिब्रेट और फेस्टिवल मना रहे हैं। वो ना देखा अर्चा जो केक कटन डे अही कोई अही की करण डे। पर लिखा सियाने का मन उनकी ओर लगा रहता है कि यार उस घर में आज कोई माँ दुखी है, उसका बेटा नशे करता है, चलो आओ उसको वचन दें। तो मूर्ख का मन लड़ाई की ओर लगा रहता है किससे पंगा ले, और जो सियाने का मन है वो इसकी ओर लगा रहता है कि किसको झील करें, किसको चंगा करें, किसके लिए क्या करें। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको सियाने बनना है। अपने पड़ोसी को देखो किसने खाना नहीं खाया, उसको खिलाओ, किसी भी धर्म का हो खिलाओ, किसी को हेल्प चाहिए दो, प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया। इस चर्च में रोज लड़कियों की शादी करवाता हूं मैं, पता है आपको, रोज एवरीडे, कभी इंटरनेट पे नहीं डाला, नेवर। सबूत है, जिस दिन बोलोगे यहां हजारों लड़कियां इकट्ठी कर दूंगा, फोटो है, सबूत है, सब कुछ है। उनके उनके गांव में विजिट होती है, उनके सरपंच से बात होती है, पूरी पैरवी होती, असली जेन्युइन केस है तो उसकी हेल्प होती। मैंने कहा रोज यहां लाइन लग जाएगी जिस दिन खड़े होंगे, लेकिन जीसस ने कहा तुम्हारी चैरिटी गुप्त में हो। अगर कोई चीज मैं दिखाऊंगा तुम्हें इंटरनेट के ऊपर, वो इसलिए होगी कि मेरे हजारों स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स उसे फॉलो कर सके, सेम पैटर्न अपनी चर्च में लेके आ सके। हालेलुया। तो उससे पहले कि हम डिक्लेरेशन करें और सिर्फ बिना समझ के बोलें कि पास्टर बोल रहा है हमें पीछे बोलना है, उससे पहले हमें समझ होनी चाहिए कि हमें जो बोल रहे हैं उसका क्या फायदा है। तो अब मेरी बहनों फिर से बताओ, दोनों बीज लगाएंगे एक अनजान एक जान के, क्या दोनों बढ़ेंगे? अगर पानी देंगे, खाद सेम देंगे, सेम वातावरण में लगाएंगे, दोनों की केयर करेंगे, क्या दोनों बढ़ेंगे? बोलो। उसी तरह से वो व्यक्ति है जिसके मन में पूरा विश्वास नहीं भी है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को तो 10 डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे बच्चा हो नहीं सकता, ये कैसे कर सकते हैं, प्रेयर से कैसे हो सकता है। पर अगर तुम घोषणा करती जाओगी, चर्च अटेंड करती जाओगी, तुम वही पाओगी जो धर्मी ने पाया है, विश्वासी ने पाया है।
हालेलुया। अब जब घोषणाएं शुरू होंगी, आपको यह मालूम होना चाहिए, बिना डिक्लेरेशन घोषणा परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ भी काम नहीं करता। जो कोई चीज आप बनते हुए देखना चाहते हो कि मेरी लाइफ में यह बन जाए, ये सारी देखी हुई चीजें परमेश्वर के वचन से बनी है जो कि अनदेखा है। इसका मतलब आपकी लाइफ में भी जो कुछ बनेगा वो एक अनदेखे वचन से बनेगा, जो आप बोलोगे, उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। घोषणा करो रोज उठ के, घोषणा करो। तुम नीचे से नीचे क्यों नहीं हो? तुम यहां पे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैठे हैं, एक रिक्शे वाला भी बैठा होगा। घोषणा करो, घोषणा करो और घोषणा करो और तुम जल्दी चमकने वाले हो इन जीसस ने। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको बिलीव हो कम हो, आप चर्च आना छोड़ेंगे नहीं। अगर आप रोजे नहीं छोड़ेंगे, प्रेयर नहीं छोड़ेंगे, फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे और मुंह से बोलेंगे, बोलना बोलना, बोलो पड़ोसी को, ऐसे इशारा करो, बोलो बोलना। अपने पड़ोसी को हंसे, जिदा गुआंडियां ना लड़ दे, बोल दिया ना तू, ओदा बोलना। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रॉब्लम कहां है? जहां चुप रहना होता है हम वहां बोलते हैं, और जहां बोलना होता है वहां चुप रहते हैं। मेरे रिश्तेदार आके मुझे चैलेंज करते थे, एक दिन तू अपने धर्म में वापस आएगा, तू पछताएगा। ये क्या है? क्या बोलते थे? एक दिन तू वापस है पछताएगा। अब चुप रहने का समय नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा, आप पछताएंगे कि आप जल्दी मसीह में क्यों नहीं आए। आज उनके परिवार मसीह में, नई टेस्टमनी शुरू हो चुकी मेरी लाइफ में। जीसस हर जगह जवाब नहीं दिया और हर जगह चुप नहीं रहे। जब पाप की बारी आएगी तो बोलूंगा, पाप को मिटाने की बारी आएगी बोलूंगा, मुझे अपनी परवाह नहीं, मेरे बारे में लोग क्या कहते। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, वहां मुझे जय मसीह की कहने वाला मिल जाता है, अब मुझे प्यार करने वाला मिल जाता है, खड़े होने वाला मिल जाता है, तो मुझे करोड़ों लोग प्यार करने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणा, शैतान डरता है घोषणाओं से। ऐसी फैमिलीज, मेरे इन लॉज फैमिलीज जब आते थे तो किराया पकड़ के आते थे, चर्च नहीं छोड़ना, किराया मांग के दुकानदार से, 200 देना तेरे को दे देंगे। लोग पूछते, भैन जी कितना ठीक हो? हाँ हाँ, बहुत वधिया, प्रभु दी दया, वैसा ही हो गया जैसा बोलते थे। और कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, पूछो कि किद्दा भैन जी? बस भैन जी बहुत दर्द रहिंदी आ, मुंडा मेरी गल नहीं सुनदा, कुड़ी मेरी गल नहीं सुनदी भैन जी। और है कौन? है क्रिश्चियन। अगर कोई पूछे कैसे हो, बोलो फर्स्ट क्लास। फिर अंदर जाओ, फिर घुटनों पे बैठो और खुदा को बोलो, प्रभु मैं लोगों को फर्स्ट क्लास बोल रहा हूं, मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। और आप बोलते जाएंगे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। आप प्रेयर नहीं छोड़ेंगे, फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे, रोजे नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर को बनाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास, क्योंकि आपके मुंह को, आपको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। जब वो बोलता था उजाला हो जाए, आप बोलेंगे उजाला होगा यीशु के नाम। एक क्रिश्चियन नहीं कह सकता, एक जागा हुआ क्रिश्चियन नहीं कह सकता कि मुझ पे जादू टोना कर दिया किसी ने। ये शर्म है, ये शर्म की बात है, नहीं कह सकता वो, क्योंकि वचन कहता है यीशु के घर आने के ऊपर कभी भी जादू और टोना मंत्र नहीं चलेगा। क्रिश्चियन लोग ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, वहां किसी ने टूना किया हुआ,
कहते ओहो सेब पे आ, चलो सेब खा लेने हैं बाकी साइड थे। मतलब इतना फेथ बड़ा हुआ। आप सब ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, ये शैतान हमारे पांव की जूती भी नहीं। लेकिन अगर हमारा अंगीकार ये होगा कि मेरे ते किसी ने जादू करता, 20 साल तो मैं बड़ी दुखी हाँ, ये 30 साल तो शैतान मेरा पीछा नहीं छड़ता, मैनू खेल आउंदी। आपको खेल बंद करवाने के लिए प्रेयर की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मुंह से कह दो कि शैतान आज से ये शरीर तेरा नहीं, कभी नहीं खेलूंगी, कभी नहीं खेलूंगा, आज से बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तभी से बंद हो जाएगी। घोषणा क्या करना है, बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो, फिर से बोलो। जब सब कुछ अच्छा है तब नहीं, सब कंडीशंस में। आमीन। क्या बोलना है, घोषणा करनी। वचन खोलो, घोषणा करो, वचन खोलो, घोषणा करो, बोलो। जो फील हो रहा है, जो दिख रहा है, वो नहीं बोलना, विश्वास के शब्द बोलना है जो तुम होते हुए देखना चाहते हो। 2009 में जिस काम से लोग बोलते हैं कि ये पास्टर्स लोग जो होते हैं पैसों के लिए प्रभु में आते हैं, मैं 1.5 लाख रुपए रोज कमाता था, रोज, महीने की तनख्वाह नहीं थी, रोज बिजनेस, अपने बिजनेस से। उस बिजनेस पे किसी ने आग लगा दी और शैतान बोला अब दे गवाही। 50 लोग चर्च में आते थे, सब लोग आए, पास्टर जी बहुत माड़ा होया, नाले जी तो भैन जी मुंह बना दिया ना वन सबने जी, नाले कई जन बहुत माड़ा। मैं कहा बाइबल क्या कहती, वचन च की लिखिया, सारियां गल्लां मिलके किन्नू पैदा कर दिया, जेड़े परमेश्वर नू प्यार कर दे और उदी इच्छा दे अनुसार बुलाए गए। मैं की तुही रब दी इच्छा दे अनुसार बुलाए नहीं गए, कहिंदे बुलाए गए। मैं की रब ना तुही प्यार नहीं करदे, मैं कर दे। मैं कहा मैं करदा, कहिंदे हाँ जी। मैं कहा कि मैं रब ने मैनू सद्या, कहिंदे हाँ जी। मैं कहा फिर किवें भैड़ा हो जूगा, फिर सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। 2009 से चर्च ग्रो शुरू होनी हुई, आज ये इंडिया की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है। अगर मैं घोषणा ना करता तो मर जाता उस दिन। क्यों? क्योंकि बहनें आके अपना वचन, अपनी घोषणा मेरे अंदर डाल देती। मैं बोलता हां जी हां जी, चलो कोई नहीं बहन जी, इसका मतलब मैंने स्वीकार कर लिया कि चलो कोई गल नहीं, माड़ा हो गया। मैंने स्वीकार नहीं किया उनके शब्दों को, अपने मुंह के शब्दों से रद्द किया और वचन बोला जो बोला आज आपकी आंखों के सामने है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपकी लाइफ में हो सकता है वर्स्ट होता हो, बुरा हो रहा हो, आप बोलते क्या हो यह मायने रखता है। मैं इसी विषय पे आपको समझाऊंगा। जब तक आपके अंदर सुबह उठकर घोषणा करने की और रात को सोने से पहले घोषणा करने की आदत ना लग जाए आपको, और ऐसा होगा। मैंने ज्यादा अभी मैं आपको घोषणाएं बताऊं और आप घोषणाएं कर दें बिना समझ के कि ये है क्या और इससे असर क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।